हेलो गाइस वेलकम बैक टू द टी चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिप प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करके देखा और कन्वर्जेंस टाइम को भी चेंज करके देखा इस वीडियो में हम पैसिव इंटरफेस फीचर को प्रोटोकॉल में यूज करेंगे और ये भी देखेंगे कि पैसिव इंटरफेस फीचर यूज करने से क्या क्या इम्पैक्ट आता है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं तो पैसिव इंटरफेस को लैब में यूज करने से पहले पैसिव इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम राउटर के साथ राउटर कनेक्ट नहीं करते हैं उसकी जगह पर हम स्विच फायरवॉल लोड बैलेंसर या हाइपरवाइजर कनेक्ट कर देते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम नहीं चाहते कि राउटर अननेसेसरी रिप अपडेट्स को उस लिंक पर पर सेंड करे जहां स्विच या लोड बैलेंसर या हाइपरवाइजर कनेक्टेड है जिससे उस लिंक की बैंडविथ कंज्यूम होती है नेवर डिवाइस उन पैकेट्स को अननेसेसरी प्रोसेस करता है चाहे वो उन पैकेट्स को डिस्कार्ड ही क्यों ना करे सिक्योरिटी रिस्क भी बनता है जिससे अटैकर कर रिप पैकेट को स्पूव करके अनवांटेड सबनेट्स जनरेट करके राउटर को फॉरवर्ड कर सकता है चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ मान लो कि मुझे एक पर्टिकुलर लिंक पर रिप अपडेट सेंड नहीं करनी है क्योंकि उस लिंक पर नेबर डिवाइस एल्टो स्विच है स्विच को रिप प्रोटोकॉल की अपडेट से क्या लेना और वैसे भी वर्जन वन अपनी पीरियोडिक अपडेट को ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस 255 255 255 255 पर सेंड करता है जिससे स्विच के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि स्विच ब्रॉडकास्ट फ्रेम को अपने सभी पोर्ट्स पर फ्लड कर देगा अगर मैं नहीं चाहता कि यह ब्रॉडकास्ट पैकेट मेरे स्विच को इम्पेक्ट ना करे तो मैं उस पर्टिकुलर सबनेट को प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज नहीं करूंगा जिससे उस पर्टिकुलर लिंक पर रेप अपडेट सेंड नहीं होंगे लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि अगर मैं उस सबनेट को प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज नहीं करूंगा तो वो सबनेट नेटवर्क से आइसोलेट हो जाएगा ऐसी सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए पैसिव इंटरफेस फीचर का यूज होता है जिससे वो पर्टिकुलर सबनेट रिप प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज भी हो जाएगा और उस सबनेट से एसोसिएटेड लिंक पर राउटर रिप अपडेट सेंड नहीं करेगा लेकिन राउटर उस लिंक पर रिप अपडेट को रिसीव कर सकता है चलो तो फिर पैसिव इंटरफेस फीचर को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं अभी हम राउटर वन पे हैं राउटर वन पे हम कमांड लिखेंगे राउटर रेप और राउटर वन पर आप पैसिव इंटरफेस फीचर कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं आपको सिंपली क्या करना है राउटर रिप कमांड टाइप करनी है और कमांड लिखनी है पैसिव इंटरफेस आपको वो इंटरफेस का नाम बताना पड़ेगा जिस इंटरफेस पर आप फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा किस पर्टिकुलर इंटरफेस पर आप रिप पैकेट्स को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं तो मेरी लैब के अकॉर्डिंग लूपबैक इंटरफेस है जिस पर मैं नहीं चाहता कि रिप पैकेट्स फॉरवर्ड हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा लूपबैक वन एड कर दूंगा तो चलो सेम काम कहां करते हैं राउटर टू पे करते हैं और राउटर थ्री पर भी करते हैं तो अभी हम राउटर टू पर हैं तो वही कमांड लगाएंगे राउटर रेप एंड देन पैसिव इंटरफेस लुब बैक वन राउटर थ्री पे चलेंगे राउटर थ्री पे राउटर रेप और पैसिव इंटरफेस लुब बैक वन अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल तो इस केस में आप देखोगे ओनली इथरनेट जीरो 0 जीरो इंटरफेस है जिसपे वर्जन वन सेंड हो रहा है और इस इंटरफेस पे वर्जन वन और वर्जन टू रिसीव हो रहा है तो अगर हमको देखना हो कि हमारा पैसिव इंटरफेस कौन सा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा पैसिव इंटरफेस और उसके आगे इंटरफेस की लिस्ट आ जाएगी तो फिलहाल मेरे पास एक ही इंटरफेस है जो मैंने पैसिव इंटरफेस की लिस्ट में डाला है अगर आपको डिबग याद हो तो डिबग में क्या था इथनेट जीरो स्लैश जीरो पर रिप वर्जन वन के पैकेट सेंड हो रहे थे और लूबैग इंटरफेस पर भी वर्जन वन के पैकेट सेंड कर रहा था अभी हमने लूबैग वन को पैसिव इंटरफेस की कैटेगरी में डाला है तो अब ये देखते हैं कि राउटर वन क्या लूबैग वन पर RIP वर्जन वन के पैकेट सेंड करता है या नहीं करता है तो डिबग लगाने के लिए डिबग आईपी रिप लेट्स वेट फॉर टाइम अगर आप पूरे कैप्चर्स को देखेंगे तो सिर्फ इथरनेट जीरो स्लैस जीरो इंटरफेस ही दिखाई देगा जहां पर हमारे पास रिववर्जन वन के अपडेट रिसीव हो रहे हैं और सेंड हो रहे हैं लेकिन हमको कहीं पर भी लू इंटरफेस दिखाई नहीं दे रहा है जिस पर रिववर्जन वन के पैकेट सेंड हो रहे हो इसका मतलब जो फीचर हमने एक्टिवेट किया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव इंटरफेस फीचर का क्या यूज है और हम कब यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से फीचर हैं जो रिव वर्जन वन में हम यूज कर सकते हैं इस टाइम टू से बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो